Okay, let me explain you the story word by word now. Okay, now see, storm in the garden. Storm means tufan, garden mein, theek hai? So there was a storm in the garden, okay? Garden area, park, you can say park in the park area. Sunu sunu was a snail. Snail ek animal hota hai, theek hai? Jiske, see, this is the snail, jiske ek shell hoti hai, theek hai? Wo apni shell ke niche apne head ko chhipa sakta hai. He can hide his head under the shell, okay? So Sunu Sunu, the snail is playing with his friends, the ants. So Sunu Sunu was playing with his friends, ants ke sath khel raha tha wo. Suddenly there is a storm. To achanak se kya aata hai? Tufan. He hurries to his mother. Wo kya karta hai? Apni mummy ke paas jaldi se bhaag ke jata hai and tells हर ऑल ही सॉ एंड हर, तो उसे सब कुछ बताता है जो वो देखता है और सुनता है, ठीक है. सुनो सुनो द स्नेल जो स्नेल है, वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने ही वॉज गोइंग टू मीट हिज फ्रेंड्स द आंट्स, ओके. विजिटिंग मीन्स गोइंग टू मीट, मिलने जा रहा था वो, ठीक है. तो वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा था. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, वो सब के सब क्या हुए, उसके ऊपर चढ़ गए, ठीक है. क्लाइम्ड का मतलब मूविंग अपवर्ड, अप ऊपर चढ़ना, ठीक है. मूव अपवर्ड. ही विद दिस साउंड ही दे क्लाइम्ड अंडर हिम, वो उसके नीचे गए, ठीक है. सडनली अ ग्रेट व्हाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स, अचानक, ठीक है. सडनली मतलब अचानक, तो क्या होता है, अग्र व्हाइट लाइट जो होती है वो दैट ब्रेक्स थ्रू द क्लाउड्स, ठीक है. एक वाइट लाइट आसमान में चमकती है, ठीक है, इन द स्काई, ठीक है. ए वाइट लाइट फ्लैश्ड इन द स्काई. सुनो क्विकली पुल्ड हिज हेड, सुनो ने फटाफट से उसका सिर जो है वो खींच के, और एंड पुल्ड इन हिज टेल, और अपनी पुल इन हिज हेड, हेड को अंदर किया खींच एंड टेल को अंदर किया, ठीक है. जो स्नेल होता है ना, वो शेल के नीचे अपना हेड छुपा लेता है, जो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, जो मैंने पिक्चर्स के साथ और साउंड के साथ वीडियो करवाई थी उसमें एक्सप्लेन किया है ना, तो उसने अपना हेड को नीचे खींचता है, ठीक है. एंड सेट वेरी स्टिल, और बहुत आराम से बैठ जाता है. सेट वेरी स्टिल, बिल्कुल शांति से बैठ जाता है, ओके. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क, बाहर स्काई जो होती है वो बहुत डार्क हो जाती है, ठीक है. तो एवरीवेयर वाज देर वाज नो लाइट, देर वाज डार्कनेस एवरीवेयर. एंड द क्रोस फ्लू पास्ट, तो क्रोस जो है उसके पास से गुजरते काव 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 साउंड करते हुए, ठीक है. ओ बट वेयर वर द आंट्स, लेकिन आंट्स कहाँ थी. सुनो स्टक आउट हिज फीलर्स, कुछ पिक्चर्स इमेजेस से कुछ वर्ड्स यहाँ पे नहीं है, तो आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है. सुनो जो है वो अपना फीलर्स है ना, जो फीलर्स, देखिए एनिमल्स के सिर के ऊपर दो एंटीनाज होते हैं ना, आपने एंट्स के ऊपर भी देखा होगा, स्नेल के ऊपर भी देखा होगा, जी सी ये जो होता है, ठीक है. तो वो जो स्नेल के ऊपर भी था ना लास्ट इमेज में हमने देखा था, तो उसको निकाल मूव करता है, बाहर मूव करता है, बाहर की तरफ. मूव आउट मतलब सक आउट मतलब मूव आउट. तो सुनो मूव आउट हिज एंटीनाज एंड लुक्ड फॉर देम, और उनको ढूंढता है. दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, तो वो कहाँ छिपे हुए थे, एक फ्लावर पॉट के नीचे. दे वर हाइडिंग देयर टू बिकॉज देर वॉज अ स्टॉर्म इन द गार्डन एंड देयर रेन स्टार्टेड टू कम. इट वॉज रेनिंग हैवीली, सो द आंट्स हाइड themselves अंडर द फ्लावर पॉट. गो होम सुनो घर जाओ. द आंट्स क्राइड आउट, आंट्स चिल्लाती हैं, ओके. हरी योर मदर विल वरी, तो जल्दी करो, तुम्हारी मम्मा को तुम्हारी चिंता हो रही होगी, ठीक है. शिल बी वरीड अबाउट यू, वरी का मतलब होता है चिंता होना, फिक्र होना, थिंकिंग अबाउट एनी वन वेरी डीपली, ओके. सो सुनो वेंट टू हिज मदर, Where she sat under a stone near the well. तो सुनो अपनी मदर के पास जाता है, ठीक है. जो मदर कहाँ बैठी थी, where she was sitting under a stone, okay. किसके पास, near the well, कुएं के पास. अम्मा said, सुनो कहता है, there is a storm in the garden. garden में क्या आया है, तूफान आया है, ओके. द विंड इज़ ब्लोइंग, दैट मीन्स द विंड इज़ ब्लोइंग वेरी हैवीली. मीनिंग ऑफ स्टॉर्म इज द विंड इज़ ब्लोइंग वेरी हैवीली. आई हर्ड द विंड ब्लो.
तो मैंने क्या सुना है कि हवा को चलते हुए ब्लो ब्लो, ये साउंड्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन लास्ट वीडियो, ठीक है। तो कैसी साउंड आती है विंड की, आप लोग जितने भी साउंड्स आपको इस चैप्टर में गिवन है ना, आप सभी साउंड्स एक बार खुद से निकालने की ट्राई करेंगे, ठीक है। आई सॉ ट्रीज स्वे स्वे स्वे, मैंने ट्रीज़ की मूवमेंट स्वेइंग सुनी है। स्वे का मीनिंग होता है ट्रीज़ के पत्तों की जो मूवमेंट होती है ना, द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्रीज व्हेन विंड इज़ हैवी, सो दैट टाइम दैट मूवमेंट इज़ नोन एज स्वे। ओके, आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, मैंने बिजली को चमकते हुए देखा है, दिस इज़ द साउंड ऑफ लाइटनिंग, ठीक है, जैक्स जैक्स जैक। आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, तो मैंने बादलों की गड़गड़ाहट सुनी है, थंडर का मतलब होता है लाउड नॉइस इन द स्काई, आसमान में बहुत जोर की आवाज़ आना, ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर होना, गड़गड़ाहट सुना होगा ना आपने, गुड़ूम 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 ऐसे, राइट। आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल, मैंने बारिश को गिरते हुए देखा है, दिस इज द साउंड ऑफ रेन फॉल। आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, पानी की बूंद का जो गिरता है ना, बूंद बाय एक एक बूंद करके उसका साउंड होता है, ठीक है, ड्रिप ड्रिप, दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ फॉलिंग द वाटर। ओके, प्लिप प्लिप प्लिप, इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनू सुनू हैड एवर बीन इन, ये सबसे बड़ा तूफान था जिसमें सुनू सुनू फंसा था, ठीक है। तो ये डिफरेंट साउंड्स थे जो उसको उसने सुने थे, ठीक है, ये साउंड्स आप खुद भी निकाल के ट्राई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास होगी ना हमारी व्हेन ऑन वेडनेसडे, आई विल टेक द क्लास ऑन गूगल मीट, आपसे रीडिंग प्रैक्टिस रीडिंग्स करवाऊंगी मैं, प्लस आई कैन आस्क यू दिस साउंड्स ऑल्सो, ओके, सो ट्राई टू डू दिस। एंड डू यू नो व्हाट, और तुम्हें पता है, सुनो सुनो डिडंट गेट वेट, एंड यू नो व्हाट, सुनो सुनो जो है ही डिडंट गेट वेट, वो बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ, ही वॉज कम्प्लीटली ड्राई, वो बिल्कुल सूखा था। हाउ डू यू नो वाई, एंड हाउ, आपको पता है क्यों या वाई, बिकॉज ही वॉज सिटिंग अंडर अ वेयर, वेयर ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग अंडर अ स्टोन। ओके, सो हैव यू एवर, आप भी क्या कभी किसी उसमें तूफान में फंसे हैं, देखा होगा ना आप लोगों ने भी, अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग नेक्स्ट गूगल मीट में जब आपकी क्लास होगी तो यू विल यू हैव टू शेयर विद मी योर थॉट्स, कि आप तूफान में अगर कभी फंसे तो आपकी फीलिंग्स ऐसी थी, दैट आल्सो यू कैन वी विल शेयर विद ईच अदर। ओके, सो आप अभी चैप्टर रीड कीजिए, ठीक है, और इनको अंडरस्टैंड कीजिए, एंड सी एक देर इज़ नो स्पेशल मॉरल इन दिस स्टोरी, कोई स्पेशल मॉरल नहीं है, दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉन्ग, बट आई विल एक्सप्लेन वन थिंग टू यू, दैट नेचर इज द बेस्ट थिंग दैट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड दैट कैन मेक एनीथिंग। जो नेचर होता है ना, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वो अपने आप में कुछ भी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। दैट मीन्स हमें नेचर की चीज़ों को डिस्ट्रॉय खुद से कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें हमेशा नेचर पे ट्रस्ट करना चाहिए, हमारे आसपास की प्रकृति दैट जो होती है ना, हमारे ट्रीज हैं, हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, जो हमारा पेड़ है, प्लांट्स हैं, देन रेन्स हैं, रेन है, ठीक है, इन चीज़ों को हमें एंजॉय करना चाहिए, दीज आर, ये बहुत एंजॉयबल होती है हमारे लिए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी किसी को डर लगता है ना, सबसे पहले द फर्स्ट पर्सन वेर यू वॉन्ट टू गो इज योर मदर, आपकी मदर किसके पास जाना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू गो टू योर मदर, एंड एवरी वन इज़ द सेम, जब भी आपको पेन होता है, वेर एवर यू आर इन पेन, वेन एवर यू आर अफ्रेड ऑफ एनी थिंग, यू आर द फर्स्ट पर्सन दैट यू वॉन्ट टू गो टू, दैट इज़ योर मदर, दैट मीन्स यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर, ओके।